समाजवादी पार्टी सरकार में खनन मंत्री रहे और गैंग रेप के दोषी गायत्री प्रसाद प्रजापति की ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद जेल प्रशासन ने लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया है। शुक्रवार को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद गायत्री प्रसाद परेशान हो गए थे और 24 घंटे के भीतर गायत्री प्रजापति की तबीयत खराब हो गई। हालांकि पहले जेल प्रशासन ने जेल के अस्पताल में उसे भर्ती कराया था, लेकिन सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया। दरअसल कल सजा के ऐलान के बाद गायत्री रात भर सो नहीं सका और शनिवार सुबह गायत्री ने रीढ़ की हड्डी में दर्द होने की बात कही। जेल के डॉक्टरों ने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सहित अन्य टेस्ट कराए। जानकारी के मुताबिक गायत्री यूरिन, किडनी, मधुमेह और रीढ़ की हड्डी में दर्द समेत कई बीमारियों से पीड़ित है। उसका मेडिकल में 2 साल से इलाज चल रहा है और वह KGMU में भर्ती था, जिसके बाद वहाँ के डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा था। जेल प्रशासन का कहना है कि गायत्री प्रसाद की तबीयत को देखते हुए डॉक्टरों की सलाह पर उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद से ही गायत्री तनावग्रस्त थे। रात में गायत्री की बेचैनी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, लेकिन दर्द की शिकायत पर डॉक्टर ने जांच की और तब से डॉक्टर लगातार स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं। गौरतलब है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति अखिलेश सरकार में खनन मंत्री था, उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का आरोप लगा था और अब कोर्ट ने इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। असल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ में गायत्री और उसके सहयोगियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं शुक्रवार को गायत्री और उसके 2 साथियों को गैंग रेप में पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।